नमस्कार मैं हूं संदीप चौधरी आज सीधी बात में मैं बात करने वाला हूं लड्डू की प्रसाद की वन ऑफ द रिचेस्ट इन फैक्ट द रिचेस्ट हिंदू टेंपल टेंपल है तो हिंदू तो हो गई इन द वर्ल्ड तिरुपति तिरुमला दोनों ही नाम से जाना जाता है ये मंदिर दक्षिण आंध्र प्रदेश का ये मंदिर बात आस्था की भी और राजनीति की वे शुद्ध राजनीति की घटिया राजनीति की अब तिरुपति के लड्डू आपने खाए होंगे महाप्रसाद हम इसे कहते हैं दो दिन पहले आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आशंका जाहिर की इन लड्डुओं में तो जी चर्बी बीफ गाय की चर्बी लाड लाड मक्खन जैसा दिखाई देता है वो दरअसल सुअर की चर्बी को अलग जब किया जाता है मांस से और फिर उसे पकाया जाता है तो वो घी जैसा हो जाता है और फिश ऑयल मछली का तेल इसके अंश मिले हैं अब ये खबर किसी को भी बताई जाए मैं यहां पर वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो किसी भी धर्म का कोई प्रसाद उसके अंदर इन चीजों का इस्तेमाल हो तो कोई भी व्यक्ति वो आस्थिक हो या नास्तिक वो भौचक्का रह जाएगा वो परेशान हो जाएगा व्यथित हो जाएगा चिंतित हो जाएगा यह बरसों बरस सदियों पुरानी एक परंपरा एक आस्था है प्रसाद तो आंख बंद करके हाथ जोड़कर फिर हाथ खोलकर आप स्वीकार लेते हैं आप उस देवी देवता को माने या ना माने कोई लाकर देगा आप हाथ लेंगे सर पर भी हाथ रख लेंगे और फिर उसको ग्रहण करेंगे और ये आगे भी आने वाले सालों तक चलने वाली है अब यह पता लग जाए कि ये दरअसल जो प्रसाद है इसमें गाय की चर्बी या मछली का तेल या सुअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है आप क्या करेंगे वो भरोसा ये तो भगवान का दिया हुआ है ना प्रसाद का मतलब ये है वो क्या छिन्नभिन हो जाएगा अब अगर ऐसा हो रहा है तो इससे गंदी हरकत इससे बड़ा अपराध इससे बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता पर ऐसा हुआ है क्या यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है अब 18 सितंबर को दो दिन पहले एन चंद्रबाबू नायडू ने आशंका जाहिर की और 19 सितंबर को उनके मंत्री ने बाकायदा यह जानकारी एक रिपोर्ट लैब की रिपोर्ट के हवाले से जारी भी की अनम वेंकट रमन्ना रेड्डी ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक की रिपोर्ट मेरे पास है ये रिपोर्ट है एन डी डी बी की यह रिपोर्ट है गुजरात की यह एक एजेंसी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और वहां पर एक लैब है सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइफ स्टॉक एंड फूड काफ इसकी अब्रीविएशन बनती है बछड़ा तो यहां पर दो रिपोर्ट्स हैं इन रिपोर्ट्स में ये बीफ तैलो की लाड की या फिश ऑयल का कोई जिक्र नहीं है एक अनेक्स्चर है अनेक्स्चर में ये जानकारी दी गई है इस रिपोर्ट में हर चीज का पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशंस कितनी है एफ एस एस ए आई की और यहां पर कितनी पाई गई वो सब बताया गया है लेकिन दिलचस्प बात अब देखिए ये जो अनेक्स्चर है इसमें फॉरन फैट एक अलग से नीचे कॉलम बनाया गया है और इसमें बताया गया है सोयाबीन सनफ्लावर ऑलिव रेप सीड लिंक सीड व्हीट जर्म मेज जर्म कॉटन सीड फिश ऑयल एक फिश ऑयल का जिक्र दूसरा जो इक्वेशन नंबर है दूसरी कोकोनट एंड पाम कर्नल फैट कोई बात नहीं तीसरा पाम ऑयल एंड बीफ टैलो चौथा लार्ड अब ये कितने हैं ये नहीं बताए गए पर राजनीतिक आरोपों की एक झड़ी लगा दी एन चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी पर जो इनसे पहले मुख्यमंत्री थे अभी लोकसभा चुनाव के साथ साथ चुनाव हुए आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ कि जी ये सारी चीजों का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया पचास साल तक कर्नाटका मिल्क फेडरेशन नंदनी नाम का वो दूध ब्रांड नेम नंदनी है जैसे अमूल गुजरात में जो हमारी अमूल फैक्ट्री है वो चलती है आनंद में ऐसे ही ये नंदनी तो जी पचास साल तक ये सप्लाई हो रही थी लेकिन पिछले साल जुलाई में वेंडर बदल दिए घी के सप्लायर बदल दिए क्योंकि नंदनी कम दाम पर घी देने को तैयार नहीं थे और कम दाम पर घी खरीदने के चलते यानी कि कॉस्ट कटिंग के नाम पर श्रद्धा के साथ ऐसा खिलवाड़ खे, खिलवाड़ किया तमिलनाडु की दिंडीगुल स्थित एक एआर फूड्स कंपनी है डेयरी है उसे ठेका दे दिया गया और अब कह रही है नायडू सरकार कि हमने उसके सारे घी सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट ठेके रद्द कर दिए हैं अब रद्द तो कर दिए लेकिन एआर डेरी तो कह रही है कि भाई एक अहम बात अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये टी टी डी जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है यानी कि जो ट्रस्ट इस मंदिर को चलाता है उसने हमसे परीक्षण के बाद वो परीक्षण कराते हैं घी के परीक्षण होते रहते हैं बीच में भाई मिलावटी घी तो आपको भी मिल सकता है मुझे भी मिल सकता है परीक्षण के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने जून और जुलाई में हमसे घी लिया जुलाई के बाद हमारी सप्लाई रोकी गई अब आती है एक दिलचस्प जानकारी एक एक चीज पर गौर कीजिएगा आस्था से जुड़ा सवाल भी है और यह विशुद्ध जो राजनीति होती है हमें भड़काने की जो कोशिश होती है हमें जो बांटने की कोशिश की जाती है उससे भी जुड़ा हुआ है यह मामला 9 जुलाई को सरकार बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सैंपल भेजे टेस्ट कराने के लिए एनडीडीबी को गुजरात भेजे गए 16 जुलाई को रिपोर्ट आ गई लैब रिपोर्ट आ गई जो ये मेरे हाथ में है समेत तो 16 जुलाई के बाद 16 अगस्त 16 अगस्त के बाद 16 सितंबर 18 सितंबर को आप कहते हैं कि नहीं चर्बी मिली है पशु की चर्बी मिली है और 19 सितंबर को आप ये रिपोर्ट सार्वजनिक करते हैं क्यों भाई ये दो महीने का वक्त क्यों लग गया और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जगत प्रकाश नड्डा कहते हैं कि मैंने चंद्रबाबू नायडू से बात की है मैंने कहा है कि आपके पास जो रिपोर्ट है भेजिए एफ एस एस ए आई जांच करेगी मतलब जांच ही नहीं की तस्दीक नहीं की गई रिपोर्ट पुख्ता नहीं की गई और बवाल हो गया और किसी भी श्रद्धालु के साथ क्या होगा और जिन्हें अपनी राजनीति चमकानी है वो तो चमकानी शुरू कर ही चुके हैं बंदी संजय कुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं अगर यह सच है तो कही कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पर हमला करने की बड़ी साजिश है प्रसाद में चर्बी का इस्तेमाल जघन्य अपराध है है जी अपराध अपराध की तस्दीक तो कर लीजिए इसमें इससे बड़ा सवाल भी अभी मैं उठाने वाला हूं उस पर आता हूं गिरराज सिंह एक और केंद्रीय मंत्री ये है कहते हैं यह हिंदू धर्म के खिलाफ घोर अत्याचार है सीबीआई जांच होनी चाहिए अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जा रही पहले सीबीआई जांच करवा लेते आपको थोड़ी मैं जानकारी दे दूं ये प्रसाद बनाने का सिलसिला तिरुपति मंदिर में यह भगवान वेंकटेश्वरा का मंदिर है जो विष्णु का एक रूप माने जाते हैं सत्रह सौ पंद्रह से चल रही है यह परंपरा हर रोज सत्तर से अस्सी हजार लोग दर्शन के लिए आते हैं साढ़े तीन लाख लड्डू बनते हैं हर रोज एक लाख लड्डू तो बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में राम मंदिर वहां भी गए थे पांच सौ करोड़ रुपए की कमाई भी होती है सिर्फ लड्डुओं से छोटे लड्डू फ्री में है फिर एक पचास रुपए का लड्डू है और एक दो सौ रुपए का लड्डू और बड़े चाव से श्रद्धालु लेकर आते हैं आपकी सोसाइटी कॉलोनी आपके मोहल्ले में बहुत से लोगों ने आपको खिलाया होगा मुझे खिलाया है भाई रहे तिरुपति जी गए थे वो प्रसाद लेकर आए लाइए जी ग्रहण करते ये राजनीति के नाम पर मजाक बना रखा है क्या हमारी आस्था का पड़ताल ही नहीं की और आरोप इतने गंभीर जगनमोहन रेड्डी कह रहे हैं कैसे चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया इसके लिए प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अब कौन सच कह रहा है मैं कतई यह नहीं कह रहा हूं कि जगनमोहन सही कह रहे हैं पर इसमें एक और धर्म का विषैला रूप सामने आ रहा है बहुत से जो उत्तर भारतीय हमारे दर्शक हैं वो शायद इस बात से वाकिफ ना हो कि जगनमोहन रेड्डी नाम से लगता है जगन मोहन भाई हिंदू हैं ये ईसाई हैं ईसाई धर्म का पालन करते हैं हिंदू ईसाई भी किया जा रहा है इसे कि हिंदुओं के खिलाफ एक ईसाई मुख्यमंत्री ने जानबूझकर साजिश की अब मुझे एक चीज बताइए ये आपकी मेरी हम सबकी आस्था से जुड़ा हुआ इसमें धर्म आ ही नहीं आता हर हर धर्म के लोग तिरुपति मंदिर में आस्था रखते हैं अनादर का भाव तो कम से कम किसी के मन में नहीं है अगर इतनी गंभीर यह खबर सामने आती है इसको सार्वजनिक करने क्या जरूरत ईमानदारी से सोचिएगा इस सवाल के बारे में आज मैं बहुत व्यथित हुआ मैंने ये सार्वजनिक क्यों हो रही है भाई अभी तो तस्दीक नहीं हुई वो अलग बात है मैं कह रहा हूं हो भी जाए सालों साल तक पुस्तों तक मेरे बच्चे आपके बच्चे पोते पड़ पोते आगे हमेशा से हमेशा के लिए प्रसाद पर ही सवाल लिए अपने मन में बैठ जाए कि कुछ भी हो सकता है प्रसाद में पता लग गया तो टांग दो जिसने किया ऐसी कार्रवाई करो ऐसी शक्ति करो कुड़की कर दो उस कंपनी की खत्म कर दो उसे पर रास्ता भी बरकरार रखो या आस्था के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी ही सेकी जाएंगी ये मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है क्या और इसके बारे में खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा है ऐसे में आज का सीधा सवाल हे भगवान लड्डू पर राजनीतिक घमासान लड्डू कोट अनकूट किया है हमने ये प्रसाद है अब इस पर भी राजनीति ना करने लगी और प्रसाद को प्रसाद ही रहने दो ये जो मिलावट कर रहे हैं उनके लिए भी है जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए भी है और ये आम आदमी की दरअसल एक गुहार एक अपील है कि भाई प्रसाद को प्रसाद ही रहने दो और इसकी शुद्धता कायम रखो चर्चा में किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को मैंने नहीं बुलाया सिर्फ देश के वरिष्ठतम पत्रकार आज मेरे साथ मौजूद हैं चार तो स्टूडियो में ही हैं विनोद अग्निहोत्री इनमें से कोई किसी परिचय का मोहताज नहीं है विजय त्रिवेदी अभय दुबे राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार दिबांग वो हमारे न्यूज रूम में है ओवरपैक्ट हो गया हमारा स्टूडियो और वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं दिबांग मतलब अब प्रसाद पर ऐसा राजनीतिक घमासान अभी पुख्ता सबूत नहीं हुए एफ ने कोई तस्दीक नहीं की है सर्टिफाई नहीं किया केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कह रहे हैं कि भेजिए है, अपनी रिपोर्ट यहां भेजिए पर यहां पर तो राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है रिपोर्ट की बात हो रही है हिंदुओं के खिलाफ साजिश जगन्य अपराध हो गया जी कैट इज आउट ऑफ द बैग ऑलरेडी जी हाँ बिल्कुल जिस तरह से ये हल्ला हो रहा है और जिस तरह से जो राजनीति हो रही है और वो भी प्रसाद के मामले में और इतना इतनी आ, बुरी तरीके से इस तरह की जो बातें हो रही हैं कि इसमें मिलाया गया तो कोक मिलाया गया इसमें मिलाया गया आप देखिए तो फिश का ऑयल मिलाया गया तो जिस तरह की बातें हो रही हैं देखिए कोक और ये आपको अगर याद हो तो ये बहुत पीछे जाती है इसकी कहानी और बहुत इस पर बहुत ज़्यादा बवाल होता है आप याद कीजिए अठारह तब क्या हुआ था अठारह में मेरठ में आप तो आपके तो बगल में ही है आप तो थे तब आप देखिए कि तब भी क्या पूरा एक पूरा हमारा जो स्वतंत्रता का पहला आंदोलन की शुरुआत उसमें हुई के पता और चला के की चर्बी और... का इस्तेमाल जो जो Enfield... तो Enfield... उस टाइम तक मान रहे थे कबूल कर रहे थे सब खड़े हो गए विद्रोह हो गया गदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अगर मैं सावरकर को कोट करूँ तो बिल्कुल और उसमें क्या था कि भाई एनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिज है उसको आप दांत से काटते थे और उसमें गाय और पूरी एक पहले पहला, पहला सोतना आंदोलन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही सेंसिटिव मसला है उस पर आप इस तरीके से बात करें आप जांच करवानी है जांच करवाइए उसका पूरा प्रोसीजर है आपको सैंपल लेना है सैंपल लीजिए सैंपल को सील करवाइए सैंपल को भेजिए क्या वो सब किया गया क्या वो सब प्रिकॉशन जो बरतनी चाहिए एक सैंपल के लिए वो ली गई या नहीं ली गई आप अगर रिपोर्ट देखें तो क्या रिपोर्ट में विस्तार से पता है कि कौन सी चीज़ कितनी है क्या सब चीज़ हर चीज़ का विस्तार है उसमें मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें जांच की हैं ये सब चीज़ें ये देखने की हैं कि सब किया गया या नहीं किया गया मैं आपको एक और बता रहा हूँ एंगल जो मैंने आज बात की वहाँ तो मुझे पता चला कि यहाँ इस मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा घी खरीदा जाता था मक्खन खरीदा जाता था दूध खरीदा जाता था एक कंपनी है हेरिटेज फूड्स से क्या ये कंपनी इस क्या इस कंपनी से घी मक्खन और दूध जो है वो जगन सरकार ने खरीदना बंद कर दिया ये भी एक सवाल उठ रहा है वहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बताया जा रहा है और आप तो शेयर मार्केट के जानने वाले हैं कि ये जो कंपनी है हेरिटेज फूड वो किसकी है उसमें मुख्यमंत्री परिवार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है मौजूदा मुख्यमंत्री की क्या ये उसका बदला है क्या ये सिर्फ राजनीति है या राजनीति के साथ साथ इसमें नहीं, एक नहीं पर जवाब आपने भी है। बहुत अहम पॉइंट उठाया है दिबांग कुछ जानकारी मैं दे दूं कितना घी इस्तेमाल होता है ये साधारण कोई मात्रा नहीं है हर छ महीने में जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है जो ये ट्रस्ट है ये तिरुमला के पंद्रह किलोमीटर के दायरे में तो दस लाख किलो घी खरीदती है आंध्र प्रदेश में पांच लाख किलो पूरे देश से बीस लाख नब्बे हजार किलो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दूसरा इनका क्या कहना है कि भाई सात सौ से हजार रुपए किलो घी आता था आपने तीन सौ बावन रुपए का टेंडर मंगवा लिया एक वो भी सवाल खड़ा हो रहा है तो इसमें ना कई सारे मुझे मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आरोप है बहुत गंभीर आरोप है इस आरोप की जांच होनी चाहिए और इसमें जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए क्या वहाँ जो पुजारी है उनकी तरफ से कोई गड़बड़ हुई क्या जो वेंडर है जो माल सप्लाई कर रहा था उसने गड़बड़ की गड़बड़ आखिर हुई कहाँ इसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए आप जांच जो आपने उल्लेख भी किया आपके पास जब रिपोर्ट आ गई आप लिए क्यों बैठे रहे वो ही इतना आप किस चीज़ है। का इंतज़ार करते रहे कि जब सौ दिन पूरे होंगे तब हम बताएंगे ये तो कोई बात नहीं हुई ना आपने सौ दिन बाद सरकार के जब सौ दिन पूरे हुए उस दिन आप ये बात कर रहे हैं कि आप उस टाइमिंग का इंतजार करते रहे अगर आप इंतज़ार कर रहे थे टाइमिंग का तो वो शर्मनाक है अगर आप इंतज़ार कर रहे थे तो वो शर्मनाक है वो सरासर गलत है क्योंकि आप एक सच्चाई को एक इतनी बड़ी सच्चाई को छुपाई बैठे हुए थे आप क्या कह रहे हैं कि लॉर्ड वेंकटेश्वर का ये आ, ये मंदिर है यहां पर ये कलियुग के डी हैं और इसमें क्या कहा उन्होंने नायडू ने कि भाई ये ऐसे हैं कि इसमें जो गलती करता है इस तरह की गलती करता है सेक्यूलेज करता है उसको जो सजा होती है वो इसी जन्म में होती है अगले जन्म का यहां इंतजार नहीं होता अगर ये सब जानते हुए आपने इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया आपने तभी हल्ला क्यों नहीं मचाया विनोद भाई अगर 16 जुलाई को रिपोर्ट आ गई थी तो 18 सितंबर को इशारा करते हो 19 सितंबर को कल आप रिपोर्ट दिखाते हो कि इस रिपोर्ट के आधार पर हम कह रहे हैं कि पशु की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है प्रसाद में महाप्रसाद में बल्कि मैं इतना वक्त क्यों देखिए मैं मैं ये मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने सवाल उठाए वो बहुत ही उत्तेजना पैदा करने वाले सवाल है ये मामला है आस्था का एक ऐसे मंदिर से संबंधित है जो इस देश के अग्रणीय मंदिरों में माना जाता है बड़े बड़े लोग वहां जाके शीश नवाते हैं उसके पास जो फाइनेंशियल टर्नओवर है हर बरस का वो एस्ट्रोनॉमिकल है वो अपार उसके पास पैसे हैं, तो वहां पर ये टेंडर पे जो तीन सौ रुपए और पांच सौ रुपए की जो बात हो रही है ये मुझे बिल्कुल अनर्गल सी लगती लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत खटक रही है Hmm. कि हैदराबाद में फॉरेंसिक साइंस की सबसे फोरमोस्ट लेबोरेटरी है सारी hmm. दुनिया से जो हिंदुस्तान से जो टेस्ट करवाने होते हैं वो हैदराबाद भेजे जाते हैं लेकिन ये जो हैदराबाद से उल्टी गंगा बही और गुजरात की तरफ hmm. उसका क्या कारण है hmm. आप मुझे ये बात बताइए ना तो फोरमोस्ट लेबोरेटरी फॉरेंसिक साइंस की हैदराबाद में और ये टेस्ट हुआ है गुजरात में और जो रिजल्ट आ गया इतनी जल्दी आ गया देखिए फॉरेंसिक टेस्ट लेबोरेटरी बहुत लंबा समय लेती है 9 जुलाई को सैंपल भेजे गए 16 जुलाई को रिपोर्ट आ गई एक हफ्ते में हाँ आ, तो इतनी जल्दी चलो मान लिया कि एक बड़ा संगीन मामला था और इसमें तुरंत रिपोर्ट मंगवाई गई नहीं संगीन मामला था तो फिर दो महीने दो दिन का इंतजार क्यों किया गया सार्वजनिक करने के लिए और जैसे अगर मैं जेपी नड्डा कह रहे हैं कि एफ अब इस रिपोर्ट की वैलिडिटी को ऑथेंटिसिटी को चेक करेगी हमें रिपोर्ट भेज दो तो दो महीने दो दिन आपने रिपोर्ट ही नहीं भेजी केंद्र सरकार को नहीं भेजी नहीं भेजी और एक बात जो मुझे और उत्तेजना पैदा कर रही है और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि ये घपला हुआ होगा हो सकता है मिलावट हो गई हो मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूं किसी को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं लेकिन पिछले आज सुबह अखबार में मैंने एक वरिष्ठ नेता के राष्ट्रीय नेता के बयान देखे और उसमें एक रेस्टोरेंट की बात करते हुए गोरखपुर में उन्होंने कहा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है और इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट है कि इनगरेटेड अ फ्लोटिंग होटल इन गोरखपुर रामगढ़ ताल एंड सेट पीपल हेयर वुड बी सर्व प्योर फूड ऑफ रोटी और हाजीपुर और हापुर वाला जूस रेफरिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ वेंडर्स एलिजिबिलिटी स्पिटिंग ऑन फूड और मिक्सिंग यूरिन इन फ्रूट जूस नहीं दिखे नहीं दिखे मेरा मेरा मैं एक मिनट विनोद मेरा सवाल ये देखिए आस्था का सवाल है आप मानते हैं और यहां तो आस्तिक हो या नास्तिक प्रसाद तो हर कोई कबूलता है ना मतलब वो तो भगवान आपको कुछ खिला रहे हैं आप आदर पूर्वक सर झुकाकर शीश झुकाकर उसको ग्रहण करते हैं अगर उसमें मिलावट हुई है तो कम से कम जब तक पुख्ता तौर पर यह स्टैब्लिश ना हो जाए आप इसमें अफवाहों के बाजार कयासों के बाजार में आग लगा देंगे मैं ये कहना चाह रहा हूं संदीप की यह बात अब ये, ये जो बातें ऐसी ऑलरेडी हो रही हैं और ये संदर्भ में हो रही है जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन ऊपर आने वाला है उस संदर्भ में हो रही है मिलकीपुर में जो कैंपेन हो रहा है उसमें हो रही है मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पीछे उद्देश्य जो है इसको फैलाने का देखिए संगीन मामला है इस पर तहकीकात करके फुल रिपोर्ट आनी चाहिए थी और एक बिल्कुल सीबीआई जांच कर... होनी चाहिए थी इसको चुप गुपचुप तरीके से इसकी तह तक में क्या जाना चाहिए था देखिए हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर मामला संवेदनशील भी है पर इसके हर पहलू पर हम गौर जरूर करने वाले हैं अब जिसका इशारा भी किया विनोद शर्मा ने और मैंने शुरुआत में कहा इट इज द रिचेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड और कितना अमीर है ये तिरुमला जो ट्रस्ट है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ग्यारह हजार तीन सौ उनतीस किलो तो सोना बैंकों में जमा है ग्यारह हजार तीन सौ उनतीस किलो तोले की बात नहीं कर रहा हूं ढाई टन गोल्ड ज्वेलरी जेवरात 18,817 करोड़ के डिपॉजिट्स, नकदी बैंकों में 18,817 करोड़ देश भर में 960 प्रॉपर्टीज अचल संपत्ति 7636 एकड़ में और 6000 एकड़ फॉरेस्ट लैंड यह कब्जे की भी लड़ाई है क्या आस्था अपनी जगह पर दरअसल यह खेल क्या कब्जे का भी है कि कौन कितना कब्जा करेगा और इसमें सवाल ये इसलिए भी उठता है कि 2019 से 2023 जगनमोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री बने तो अपने मौसा सगे मौसा मैंने दो बार चेक कराया वाई वी सुब्बर रेड्डी वो टी टी डी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन बना दिए गए तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजनीति है इसमें खेल और बड़ा भी हो सकता है देखिए देखिए तिरुपति का जो मंदिर है वो आस्था का प्रतीक तो है ही पूरे देश की और विश्व के हिंदुओं का सबसे बड़ी बात यह वो आंध्र प्रदेश की और दक्षिण भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र है वो और आप देखिए जब भी आंध्र प्रदेश में अब तो तेलंगाना भी अलग हो गया वरना जो आंध्र प्रदेश में सरकार जिसकी होती थी बोर्ड का अध्यक्ष उसी पार्टी से जुड़ा हुआ होता था आमतौर पर और ये क्योंकि वहाँ वो एक तरह से वहाँ से जो राजनीति जैसे मतलब सीधा तो मैं नहीं कह सकता कि जैसे पंजाब में स्वर्ण मंदिर से पूरी पंजाब की अकाली पॉलिटिक्स गवर्न होती थी लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तिरु तिरुमाला मंदिर तिरुपति मंदिर में भी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हमेशा चलती रही है और ये जो पूरा मामला है ये आंध्र प्रदेश की राजनीति के साथ साथ अभी जो ब, ब, कह रहे थे कब्जे की भी लड़ाई है कब्जा किसका रहे कब्जे की लड़ाई तो है ही कब्जे के साथ साथ इसकी इससे लेके जो भावनाएं जो भड़काई जा सके उससे जो ध्रुवीकरण हो उसना और उसना फायदा उसमें में जगन मोहन रेड्डी का ईसाई होना चुनाव से पहले भी विधानसभा चुनाव से पहले भी वो लगातार चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी जो उनके साथ है साथ थे कि 217 हिंदू धर्म स्थलों को क्षति पहुंचाई गई ये एक नैरेटिव भी चलाने की कोशिश की गई वो चला नहीं था उस वक्त देखिए ये नैरेटिव जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे तब भी बराबर टीडीपी की तरफ से बीजेपी की तरफ से चलाया जाता था कि राजशेखर रेड्डी ईसाई हैं और वो ईसाई धर्म का प्रसार कर रहे हैं प्रचार कर रहे हैं वो नैरेटिव चल लेकिन दस साल तक राजशेखर रेड्डी मध्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जगनमोहन रेड्डी को समर्थन मिला दो में तो जनता में नैरेटिव नहीं चला वहां पॉलिटिक्स चलती है रेड्डी और कम्मा की आंध्र प्रदेश में तिरु, तिरुपति मंदिर जो है ये इसका जो आपने पूरा संपत्ति का ब्यौरा दिया सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो पूरा मामला सा, प्रकरण सामने में, सामने आया है इसमें सच्चाई कितनी है पहले तो उसकी तह तक जाना चाहिए तह में क्यों नहीं जाया गया ये तो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है ना आप बिना पुख्ता सबूत के विजय त्रिवेदी क्या ऐसे सनसनीखेज हैं ये आरोप बहुत संगीन गंभीर आरोप है क्या ऐसे लगा देंगे आप लगा देने चाहिए क्या बिल्कुल बहुत गंभीर आरोप है और जैसे आपने जिक्र भी किया और सब लोग जानते हैं कि 9 जुलाई को किया और 16 जुलाई को रिपोर्ट आ गई और उसके बाद दो महीने लगे तो मैं ये उम्मीद करता था कि क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है और जो मामले आए हैं यदि वो भी सच हैं तो वो और गंभीर बनाता है तो मुख्यमंत्री जी उसको रिपोर्ट को भी क्रॉस चेक करने के लिए किसी दूसरी सी चुपचाप नहीं रिपोर्ट को भी क्रॉस करने के लिए किसी दूसरी लेबोरेटरी को उसको कर... तो विनोद तो कह रहे हैं जगह क्रॉस चेक एस एल है केंद्र सरकार वहां का मामला भेजा जा रहा है गुजरात जी तो उसको दोनों नहीं मान लीजिए दो महीने आपने लगाए हैं तो एक मौका था कि आप क्रॉस चेक कर लेते इसको से चेक और कर और ले, इसमें नहीं पता लग रही है कुछ मात्रा नहीं मात्रा देख लिया मात्रा नहीं, नहीं, नहीं लगी लगी है तो जब रिपोर्ट आती है तो उसमें तो हर चीज का इवन जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं उसमें भी लिखा हुआ नहीं अब इसमें एक और बात आ जाती है क्योंकि ये मामला इतना संवेदनशील है आप मैं विनोद भाई या राकेश भाई अभय या, या दिबांग हम जो दूध पीते हैं और ये तो हम सबने इतनी स्टोरीज की हैं कि भाई उसमें यूरिया भी मिलाया जाता सब है, है। चर्बी मिलाई जाती सब है।, है।, है अब जब 20 लाख नब्बे हजार किलो घी आ रहा है उसमें वो कितने डब्बे थे जिनमें मिलावट वो साजिशन हुई है या वो जो मिलावट भाई इस देश में 20 फीसदी माल मिलावट का है यहां तो यह कहा जाता है जो एटू गाय आजकल जितना घी इस देश में बिक रहा है एटू के नाम पर ढाई ढाई हजार रुपए किलो के नाम पर व्यारे न्यारे हो रहे हैं उतनी तो देसी गाय उतना दूध नहीं है इस देश में उतने लीटर जितने किलो दूध बिक रहा है नहीं इसमें भी एक और बात अब कि ये जो नहीं देखिए ये मामला इतना गंभीर है हमें ये चीज देखनी होगी ना संज्ञान लेना होगा कि ये वो घी वाला चक्कर तो नहीं है उसके अंदर यही तो होता है तो हो सकता है एक वेंडर की गलती और हमारी हजारों साल की आस्था पर और सवाल यह निशाना कि एक वेंडर से नहीं आ रहा है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुद्दा यह है जब इतना गंभीर मुद्दा है तो उसको सार्वजनिक करना ये जो हिंदू धर्म को मानने वाले मुख्यमंत्री हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इसका रिपोर्कशन क्या है हाँ ये सारी आस्था का सवाल है ना चंद्र बाबू जी से हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है राकेश भाई अगर जगनमोहन रेड्डी उनकी सरकार ने जानबूझकर लापरवाही की है पैसा कमाने के चक्कर में साढ़े चार सौ किलो का घी मिलेगा सवा तीन सौ रुपये पे कर दिया आपने वो ठेका दे दिया तो कॉस्ट कटिंग में ठेकेदार ने भी हल्के रास्ते अपना लिए जो यहाँ पर गुड़गावा के साथ बादशाहपुर के पास आप चले जाइए दुनिया भर की नकली घी बनाने वाले लाइन से चार सौ रुपए का घी मिल जाएगा हजार रुपए से नीचे कोई घी मिल सकता है क्या जानबूझकर लापरवाही तो नहीं हुई इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना हमें चाहिए पर अब राजनीति हावी होने से राजनीतिक खेल ज्यादा हो गया जिम्मेदारी तय हो पाएगी क्या अगर लापरवाही हुई है तो संदीप भाई मेरी अपनी राय है कि आप कोई भी जांच करा लीजिए किसी भी धर्माचार से भले ही करवा दीजिए लेकिन आस्था पे आशंका का बीजारोपण हो चुका है hmm. अब आपका प्रसाद संदिग्ध हो गया है इससे बुरा कुछ नहीं हो और सकता। इससे खराब कुछ नहीं हो सकता हाँ। आप कोई भी जांच कराइए सीबीआई कराइए एनआईए कराइए कोई भी जांच कराइए लेकिन मैं शख्स देखने लगू इससे बुरी चीज क्या हो सकती आप है आप अपनी आस्था के लिए लाड प्यार सम्मान में अरे भाई ऑफिस में सर मैं वैष्णो देवी गया था अभी एक हमारी सहयोगी बद्रीनाथ केदारनाथ होकर आई कि सर वो मैं ये लेकर आई हूं लाइए जी जबकि मैं मीठा नहीं खाता हूँ लाइए खाऊंगा अब मैं कहूं कि इसमें चर्बी तो नहीं है और मैं इसको ग्रहण करूं या ना करूं, ये कर दिया मैं वही कर रहा हूं आपने हाँ। जो कहा कि प्रसाद को प्रसाद रहने दो हाँ। अब हिंदुस्तान में प्रसाद प्रसाद ही नहीं बचा प्रसाद को संदिग्ध कर दिया गया ये अपने राजनीतिक प्रसाद खाने के चक्कर में सत्यानाश करेंगे ये राजनेता राज राज आस्था, करे आस्था पे आस्था होती है विश्वास बनता है और विश्वास से आस्था बनती है जब आपका किसी पे विश्वास होगा तब आप उस पर आस्था प्रकट करेंगे और उसके प्रति आस्थावान हो जाएंगे तिरुपति बालाजी देश के उन प्रमुख मंदिरों में है जहां आप देखें चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज का व्यक्ति हो चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो या एक छोटा व्यक्ति हो तो वो भी, भी नहीं कोई भी ऊंचे से लेकर ऐसा नहीं तक का व्यक्ति तो भी एक बार अस्सी हजार श्रद्धालु जो जाते हैं उनमें ज्यादा तादाद उत्तर भारतीयों की है दूसरा घी की जो आप बात कर रहे हैं कि उसका कॉस्ट कटिंग अरे जिस संस्थान की आमदनी तीन हजार करोड़ हो उसको सौ रुपए किलो कम और सौ रुपए किलो ज्यादा लेने में क्या फर्क पड़ने वाला है भाई कीमत बढ़ाती है जब आपका लड्डू ही पांच सौ से सात सौ डेयरी वाले कह रहे हैं कि भाई जून जुलाई में तो आपने हमारा चेकिंग की और हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपने बंद नहीं किया ये जुलाई की रिपोर्ट उसके अंदर ये चीज मिलती है एक अब नए अधिकारी बने आई एस अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इन हाउस अडल्टरेशन को चेक करने की वहां फैसिलिटी नहीं है अब अब माने माने तो किसकी इसमें एक पेच ये है हाँ। कि दो कि 2007 के जो अध्यक्ष थे हमारे के वो थे बी करुणाकरण जी उनके टाइम पे जब वो अध्यक्ष हुए तो उनके टाइम पे क्या हुआ कि वहां पे सौदर्यीकरण का काम हुआ तो स्तंभ लगाया गया स्तंभ उन्होंने जिस आकार का लगवाया वो क्रॉस का था उसमें बड़ा विरोध हुआ स्तंभ तोड़ दिया गया ये अगस्त 2023 में वही बी करुणाकरण जी फिर से अध्यक्ष बने और वो मूलतः है तो, ये पूरा जो खेल चल रहा है, तो वो ईसाई और हिंदू करके हमारे प्रसाद को संदिग्ध कर दिया गया देखिए जो आपने तथ्यों का उद्घाटन किया है उनकी जो क्रोनोलॉजी बताई है और जो विश्लेषण यहाँ पे हमारे सब साथियों ने मिलकर किया है उससे तो मेरे दिमाग में मैं तो राजनीतिक समीक्षक हूं मैं फॉरेंसिक और उन बातों के बारे में जानता नहीं आप सब लोग भी राजनीतिक समीक्षक ही हैं तो। है तो साफ लग रहा है कि जो हिंदू ध्रुवीकरण की धार को और कैसे तीखा किया जाए उसे कैसे एक नए मुकाम तक पहुंचाया जाए उसका आधार तैयार किया जा रहा है अगर ये मामला आगे बढ़ा मुझे शक है ये मामला आगे बढ़ेगा उसकी वजह यह है कि इसमें ईसाई समुदाय के ईसाई समुदाय के साथ इसका पूरा द्वंद निकलकर सामने आता है और बहुत मुश्किल है ईसाई समुदाय के जो अंतरराष्ट्रीय संपर्क हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं और उसमें अगर जरा भी ऐसी कोई बात हुई तो वहां से जो दबाव पड़ेगा उसमें इस मामले को दबाव भी दिया जा सकता है यह भी एक अंदेशा है लेकिन मैं ये मानता हूं कि यह पूरी और उसमें दो सरकारें है शामिल हैं पहले पहली सरकार उसमें चंद्रबाबू नायडू की शामिल है और दूसरी केंद्र सरकार भी अब उसमें शामिल हो गई है वो कह रहे हैं आप भेजिए है, हम जांच कराएंगे सब जो बजाये इसके चंद्रबाबू नायडू को ये हिदायत जाती की तस्दीक तो कर लेते क्यों नही नहीं आप बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जब रिपोर्ट आ गई उसके बाद बैठ के सोचा गया इसका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है उसके बाद चतुराई पूर्वक इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है पर राजनीतिक ते ते चतुराई हो या ना हो उसका खुलासा तो हो जाएगा पर अगर लापरवाही हुई है वो भी ही तो नहीं अपराध है संदीप जी सरकार से ज्यादा बड़ी एजेंसी कौन है किसके पास इतने संसाधन है सौंपी जानी चाहिए बिल्कुल यहां पर जगनमोहन रेड्डी कह रहे हैं हाईकोर्ट की निगरानी में जांच हो सीबीआई जांच होनी चाहिए हाईकोर्ट की निगरानी हो सुप्रीम कोर्ट की हो क्या रास्ता निकलना चाहिए देर शुड बी अ क्लोजर टू दिस हंड्रेड परसेंट इसका क्लोजर फॉरन होना ही चाहिए अगर क्लोजर नहीं हुआ और इसी तरह बढ़ता आ रहा है इसके साथ आप राकेश जी ने कहा कि संदिग्ध हो गया है एक बार अब संदिग्ध हो गया है तो उसमें सब लोग कुछ भी आप कीजिए लोगों के मन में संदेह का बीज तो पड़ गया है ये स्थिति ये स्थिति देखिए आप हा? किसी भी धर्म धार्मिक व्यक्ति से कहलवाइए विश्वसनीय व्यक्ति से कहलवाइए लेकिन संदीप भाई अब उस प्रसाद पे आपका विश्वास कायम रमन दीक्षित मुख्य पुजारी रहे हैं तिरुमाला के वो कह रहे हैं पिछले पांच साल में तिरुमाला में बहुत बड़ा पाप हुआ है घी में मिलावट की जांच होनी चाहिए अब जब धर्मगुरु भी राजनीति में बटने लगे ये बट चुके हैं और ऐसे बयान आने लगे श्रद्धालु क्या करेगा वो तो बेचारा वो तो आस्था लिए बैठा है ना संदीप भाई जो भी राकेश भाई ने कहा ये सिर्फ तिरुपति का मामला नहीं है सारे प्रसाद संदिग्ध हो गए सारे मंदिरों यही मैं बात हाँ। सारे प्रसाद अब क्योंकि तो ये तो मामला अब कहेंगे ये तो सामने आ गया हाँ। अब कोई बद्रीनाथ का प्रसाद लाया कोई कहीं का वैष्णो देवी का लाया अरे हम वृंदावन का रज लेते हैं हम खाते भी है लगाते भी है कल को कह देंगे इसमें केमिकल है कुछ भी हम रज लेना भी बंद कर देंगे तो हमारे तो सारे धर्म स्थलों के प्रति जो आस्था है उसको संदिग्ध किया जा रहा है बारी बारी इसमें संदीप भाई एक बिजनेस राइवलरी का एंगल भी देखना चाहिए क्योंकि तो इतना बड़ा पैसा उसमें हां लाख करोड़ की संपत्ति है, है कुल कि डीडी का मामला है फिर पॉलिटिकल राइवलरी भी है भी। फिर हां वो सप्लायर वाली भी मैं कह रहा हूं कि 1400 टन घी आ रहा है इतना सारा लड्डू बन रहा है 20 लाख 90 हजार 6 महीने में तो साल में आप लगा लो 41 लाख 80 हजार किलो घी साल में ये 500 500 लीटर तो रोज लगता है ये मामला इतना नाजुक है और उसको जिस तरीके से इसको हल करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें उसके नाजुकपन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा हाँ, वही इसके बहुत ही दूरगामी भीषण परिणाम हो सकते हैं संवेदनशील है। मामला, मामला, लोगों से आम आप को तोड़ के जोड़ नहीं सकते हैं आम आदमियों से आप सभी से मेरी दरख्वास्त है मेरी अपील है मेरी गुजारिश है ये आस्था का सवाल है ये जो आधी अधूरी जानकारी परोसी जा रही है उसको लेकर मन ना बनाइए प्रसाद पर ये सवाल ना उठाइए दबाव बनना चाहिए कि हकीकत जल्द से जल्द सामने आए सीबीआई की जांच हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक कमेटी बनाई जाए तत्काल प्रभाव से सच्चाई हमारे सामने आनी चाहिए और ये राजनीति का जो गंदा खेल है राजनीतिक नफे नुकसान से आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है इस खेल को आस्था से परे रखना होगा जब तक आप बिना लार लपेट ये बात राजनेताओं को नहीं समझाएंगे ये मजहब की सियासी दुकानदारी भी चलती रहेगी प्रसाद को कम से कम प्रसाद रहने दो